नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मनोहर पर्रिकर जी का निधन हो गया, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों, ये पहले IITian CM मनोहर पर्रिकर थे, जिनका अभी हाल ही में 17 मार्च 2019 में निधन हो गया। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हम आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनका पूरा नाम था मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर, और इनका जो निधन हुआ है ये 17 मार्च 2019 को हुआ है। दोस्तों, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनका निधन कहाँ हुआ है। ये दोना पावला स्थित अपने निजी आवास पर डॉक्टरों की टीम से उपचार करा रहे थे, और वहीं पे इन्होंने अंतिम अपनी सांस ली। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है ये मापुसा गोवा भारत में है। ठीक है, इनकी उम्र 63 वर्ष थी। पिता का नाम गोपाल कृष्ण पर्रिकर था, और इनकी माता का नाम राधाबाई पर्रिकर, और इनकी पत्नी मेघा पर्रिकर। धर्म हिंदू और भाषा हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों भाषा जानते थे। और इनके जो बेटे थे वो थे अभिजीत पर्रिकर और उत्पल पर्रिकर। दोस्तों, ये IIT ग्रेजुएट है मुंबई 1978 में, और इनका जो करियर है राजनीतिक, गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 2014 से 2017 तक। और इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। और दोस्तों, इनका जो पसंदीदा खेल है ये आप क्रिकेट था, और इनकी रुचि जेनेटिक्स थी। ठीक है, और इन्होंने जो यात्रा की है USA की है। आगे देखते हैं। मनोहर पर्रिकर का जन्म और शिक्षा। मनोहर पर्रिकर का नाता भारत के गोवा राज्य से है, और इनका जन्म इस राज्य के मापुसा गांव से साल 1955 में हुआ था। वहीं इस राज्य के लोयोला हाई स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की थी। अपनी 12वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला लिया था, और यहाँ से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहीं पर्रिकर को हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा मराठी भाषा भी बोलनी आ गई। दोस्तों, मनोहर पर्रिकर का जो परिवार था, इनके बारे में जानते हैं। पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम मेघा पर्रिकर था। पर्रिकर और मेघा की शादी 1981 में हुई थी। पर्रिकर के कुल 2 बच्चे थे, जिनमें से पहले बच्चे का नाम उत्पल पर्रिकर, जबकि दूसरे लड़के का नाम अभिजीत पर्रिकर है। वहीं पर्रिकर के दोनों बच्चों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उत्पल बतौर एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि अभिजीत का एक खुद का व्यापार है। वहीं मनोहर पर्रिकर का एक भाई भी है, जिसका नाम अवधूत पर्रिकर है। मनोहर पर्रिकर का राजनीतिक सफ़र। पर्रिकर अपने स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हो गए थे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने RSS की युवा शाखा के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। वहीं स्कूल के पास होने के बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दी। वहीं अपनी ये पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार फिर उन्होंने RSS को अपनी सेवा देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें BJP पार्टी का सदस्य बनने का मौका मिला। उन्होंने BJP पार्टी की तरफ से पहली बार चुनाव भी लड़ा। BJP ने पर्रिकर को 1994 में गोवा की पणजी सीट विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। वहीं पर्रिकर को इस चुनाव में जीत मिली, लेकिन BJP इन चुनावों में कुछ खास नहीं कर सकी। वहीं पर्रिकर ने गोवा की विधानसभा के विपक्ष नेता की भूमिका भी निभाई हुई है। पहली बार बने गोवा के मुख्यमंत्री। साल 2000 में गोवा के हुए विधानसभा चुनाव में BJP पार्टी के लोगों का साथ मिला, और BJP को गोवा की सत्ता में आने का मौका मिला। वहीं सत्ता में आते ही BJP पार्टी ने इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पर्रिकर को चुना।
वहीं 24 अक्टूबर को पारिकर ने बतौर गोवा के मुख्यमंत्री बन अपना कार्य शुरू कर दिया। हालांकि पारिकर के परिवार के हालात उस वक्त सही नहीं चल रहे थे और उनकी पत्नी कैंसर से ग्रस्त थी। पारिकर के मुख्यमंत्री बनने के ठीक एक साल बाद उनकी पत्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्नी के जाने के बाद पारिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे तरीके से निभाई। मुख्यमंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्री बनने तक का सफर। वहीं साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली। पारिकर को मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी पार्टी को साल 2012 में गोवा में हुए चुनाव में फिर जीत मिली। फिर से बीजेपी ने पारिकर को मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को जीत मिली और पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। जब देश के रक्षा मंत्री को चुनने की बारी आई तो बीजेपी की पहली पसंद पारिकर बने। उन्होंने देश का रक्षा मंत्री बना दिया गया। देश के रक्षा मंत्री बनने के लिए पारिकर को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह लक्ष्मीकांत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2017 में एक बार पुनः गोवा विधानसभा के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में फिर बीजेपी की जीत हुई। वहीं गोवा के विधायकों ने अपने राज्य के लिए पारिकर को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके चलते पारिकर को अपना रक्षा मंत्री पद छोड़ना पड़ा और वो गोवा के मुख्यमंत्री पद को संभालने गोवा वापस आ गए। आगे देखते हैं पारिकर मनोहर पारिकर जी से जुड़े हुए कुछ विवाद। अन्य नेताओं की तरह मनोहर पारिकर के साथ भी कई विवाद जुड़े हुए हैं। समय समय पर पारिकर को इन विवादों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन विवादों के कारण उनके राजनीतिक करियर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कि साल 2013 में भारत की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था। इस प्रतिनिधिमंडल में गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोज सहित कई विधायक मौजूद थे। ये प्रतिनिधिमंडल यूरोप के कचरा प्रबंधन पर अध्ययन करने के लिए गए थे। वहीं इस यात्रा के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसी खर्च को लेकर पारिकर को विवाद का सामना करना पड़ा। दूसरा विवाद फीफा विश्व कप दावत को लेकर हुआ विवाद। साल 2014 में ब्राजील में हुए फीफा विश्व कप से जुड़ी हुई एक दावत को लेकर भी पारिकर विपक्षी पार्टी ने हमला किया था। विपक्ष पार्टी का कहना था कि इस दावत के आयोजन पर करीब 89 लाख रुपए का खर्चा आया था और जनता के पैसों को पानी की तरह इस्तेमाल किया गया है। आमिर खान की टिप्पणी पर पारिकर का बयान। अभिनेता आमिर खान द्वारा देश के हालातों को लेकर की गई एक टिप्पणी पर पारिकर ने अपनी नाराजगी जताई थी। पारिकर ने कहा था कि अगर भारत में किसी को रहना है तो उसे देश की राष्ट्रीयता का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति देश के खिलाफ बोलते हैं उसको सबक सिखाना चाहिए। हालांकि पारिकर ने यह बयान देते हुए किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन उनकी बातों से साफ था कि वो आमिर खान की टिप्पणी पर अपनी राय रख रहे हैं। गौरतलब है कि पारिकर के दिए गए इस बयान से कुछ दिन पहले ही आमिर खान ने कहा था कि उनकी पत्नी ने भारत से बाहर जाने की बात कही थी। आमिर खान ने ये टिप्पणी भारत के धार्मिक असहिष्णुता के मुद्दे पर की थी। वहीं पारिकर द्वारा दिए गए बयान पर काफ़ी आलोचना की गई। इसके चलते पारिकर ने एक और बयान देते हुए कहा कि उन्होंने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी। अगला विवाद था पाकिस्तान को बताया था नरक। बतौर भारत के रक्षा मंत्री रहते हुए पारिकर ने पाकिस्तान देश पर एक बयान दिया था। अपने इस बयान में पारिकर ने कहा था कि इस देश में जाना किसी नरक में जाने से कम नहीं। वहीं पारिकर के इस बयान पर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई थी। अब देखते हैं पारिकर जी से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें, जिसमें बीजेपी द्वारा गोवा के बनाए गए पहले मुख्यमंत्री पारिकर जी थे। साल 1961 में भारत की सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा को स्वतंत्र करवाया था। वहीं साल 1987 में गोवा
पूरी तरह से हमारे देश का एक प्रदेश घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने साल 2000 में पहली बार इस राज्य की विधानसभा चुनाव में अपनी विजय हासिल की थी। चुनाव के जीतने के बाद पारिकर को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके साथ ही पारिकर बीजेपी द्वारा गोवा के बनाए गए पहले मुख्यमंत्री बन गए। पारिकर जी का साधारण व्यक्ति की तरह रहन सहन था। गोवा के मुख्यमंत्री होने के बाद भी पारिकर ने अपने रहन सहन में जरा भी बदलाव नहीं किया। कहा जाता है कि वो अपने राज्य की विधानसभा खुद स्कूटर चलाकर जाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने घर को नहीं छोड़ा और सरकार द्वारा दिए गए घर में नहीं गए। और पारिकर जी सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहे। पारिकर पहले ऐसे IIT ग्रेजुएट है जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। पारिकर जी ने सबसे पहले हमारे देश को ऐसा कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना था जिसके पास IIT डिग्री हो। इतना ही नहीं, पारिकर सोशल मीडिया में काफ़ी सक्रिय है और वो इस माध्यम से लोगों से जुड़े रहते थे। पारिकर जी को मिले सम्मान व पुरस्कार। पारिकर को उनके कॉलेज यानी IIT मुंबई द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उनके कॉलेज द्वारा ये सम्मान 2001 में दिया गया था। इतना ही नहीं, साफ छवि वाले इस नेता को CNN IBN ने भी राजनीतिक श्रेणी में पुरस्कार दिया था। पारिकर को ये सम्मान साल 2012 में दिया गया था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पारिकर जी का जो जन्म हुआ था वो 13 दिसंबर 1955 में हुआ था, ठीक है, और जो इनका निधन हुआ वो 17 मार्च 2019 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।